हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हेमा ब्लॉग उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। और मैं तो एकदम अच्छी हूँ, आप सब कैसे हो। और गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग है, मॉर्निंग नहीं है, दोपहर होने वाली है, 11 बज गए हैं, पर गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। अभी तो खाना पीना हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, फिर शाम तक भी। हाँ, अभी तो कुछ दिखाने लायक है ही नहीं, क्या दिखाएं, बस वही डेली का रूटीन चलता है और कुछ नहीं। और तो अभी हम खाना बना रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो बन गया है खाना और खाए नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली जाए, तो फिर नहा धो के आए और पूजा ऊजा किए, फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली जाए। आ गए हम यहाँ, ये देखो, देखो यहाँ तो इतना अच्छा मौसम है, मौसम बहुत अच्छा लगता है। बारिश हो रही है? बारिश नहीं हो रही, मेरे ऊपर तो हो रही है, यहाँ पे बारिश हुई थी अभी थोड़ी सी, तो अभी थोड़ी सी अच्छा और होने वाली है ना मम्मी। यहाँ थोड़ी सी खड़े हो जाते हैं, फिर अभी मुझे हवा आ रही है मम्मी। हाँ, कितना अच्छा लगता है, एकदम बादल बादल से। देखो आप लोग भी देखो, काले बादल थोड़ी, अरे ये देखो यहाँ पे बूंदे टपकी है ना। हो गई हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मी अंदर चलो, मोबाइल खराब हो जाएगा ना। नहीं होगा, उसको लगता है मोबाइल खराब हो जाएगा। देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश हो रही है ना, ये हरियाली सामने दिखती है ना तो अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लगता है हरियाली का मौसम? तो वैसे भी सभी को अच्छा लगता है, और बदबू का मौसम किसी को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बदबू थोड़ी, अंदर चलो ना, मुझे आ रही है ना, आ रही है तो चलो। तो कूदते क्या हो? कूद नहीं रहा था ना, जा रहा था, चलो इस सब कोई बात नहीं। तो चलो अब हम लोग बाद में थोड़ी देर बाद। गुड इवनिंग गाइस, देखो अभी हम छत पे आ गए हैं थोड़ी सी घूमने। मैं खिलौने लेकर आए हैं खेलने के लिए, बोला मैं ऊपर जाके खेलूंगा। यहाँ अभी ऊपर बनेगा ना, और इसलिए नहीं हुई, बाद में हो जाएगी ना। तो हम सोचे चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। नहीं मम्मी, घूम फिर के नहीं। हाँ चलो तो, खेलने के लिए नहीं, मैं तो बस हवा लेने के लिए। अच्छा, हवा लेने आए थे, ताजी ताजी हवा लेने आए थे, अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा। तो ठंडी हवा लेने आया था ये, ठंडी हवा ले रहे हैं। देखो जीजा और प्याज डालते हैं, आलू डाल देंगे, आलू
इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए ऐसा हो गया, ये आलू तल गई है। इसमें हम डाल देंगे चावल, इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल फूल ज़्यादा ही है, चावल बहुत ज़्यादा है गाइस, तभी हम तले ले रहे हैं। और इसमें डाल देंगे फ्राई राइस मसाला, ये वाला मसाला बहुत टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका पूरा पैकेट डाल देंगे, ठीक ही नहीं लगता है। चला लेंगे, अभी इसको बना लो। इसके बाद ये देखो तैयार हो गया है। उसमें इसमें थोड़ा सा नमक डाले, इतना सा, और इसमें नमक रहता है इसलिए थोड़ा सा ही नमक डाले हैं। और नमक वाला नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता, और निकाल कर सर्व करो। एक नंबर बना। तो चलो हम खा लेते हैं, यही खाएंगे आज। कैसा बना है गाइस आप लोग बताना, आप लोग भी बनाना। ये देखो कितना प्यारा है, टेस्ट भी उससे कई ज़्यादा है, जितना अच्छा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बहुत अच्छा बना है, आप लोग भी ट्राई करना, फिर बताना कि कैसा बना। मुझे तो ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। कभी भी मैं तो जानबूझ के आज चावल आज बचा के रखी थी कि आज मैं फ्राई राइस बनाऊँगी, तो अभी मेरा डिनर का टाइम है और डिनर इसी से होगा। डिनर तैयार है, अब हम लोग कर लेते हैं डिनर और आप लोगों से मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो वीडियो और निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते भी नहीं हो, देखा करो। मोटिवेट करो, इनमोटिवेट मत करो, कोई नहीं देखता है, सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं तो खुशी नहीं मिलती, लगता है कि सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे तो क्या मतलब वीडियो बनाने का। पर आप लोग सब्सक्राइब किया करो, देखा करो और लाइक भी कर देना। तो चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।